बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। भाव यह है कि सत्संग के बगैर आदमी को ये पता नहीं चलेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है, और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर जब वो कोई काम करना चाहेगा तो उसको अंदर ही से आवाज़ आ जाएगी कि ऐसे क्यों कर रहा है। इसका नाम विवेक है। विवेक का मतलब संस्कार जमे हुए हैं और अंदर ही से हो जाती है। ये बताया था ना उसने, गुरु जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विवेक है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, आप समझे। इससे उसको सत्संग से होगा, सत्संग के बगैर ये हो नहीं सकता। अब सत्संग की जो क्वालिफिकेशन ये है, कराने वाला आदमी किस लिए सत्संग कराता है, उसका एम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, क्यों कराता हूँ, यानी कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो निजी इंटरेस्ट क्या होगी, मेरे बहुत से चेहरे हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा मेरा नाम हो जाए, ये नेम फेम उड़ जा हुआ है, वो तो वो सच्चाई बता नहीं सकता। वो चीज़ बोलेगा जिसमें वो उसकी अपनी शोहरत हो, यानी अपने नेम फेम की बात हो। अगर कुछ धन चाहता है तो इसका भी दान देना चाहिए आपको, ऐसा करना चाहिए, मतलब बात घुमा के करेगा, लेकिन बात वो करेगा अपनी एम ऑफ ऑब्जेक्ट। पैसे कमाने गया तो पैसे की बात करेगा, अगर अपना प्रचार करने गया तो प्रचार की बात करेगा, और चलूँ बता देगा गुरु जी ने ये किया, गुरु जी ने ये किया, गुरु जी ने ये किया, बताना तो चाहिए कि बगैर बताए पता नहीं चलता। अब जैसे पर्चा देते हैं तो क्या देते हैं, वो पर्चा देते हैं भाई मैं सत्संग क्यों कराता हूँ, क्या ये नाम नू कैसे हुआ है, तो मैं पूरी वो कहानी बता दी उसमें कि भाई मैं कुछ किया नहीं, ऐसे ये संस्कार उठा था और उस संस्कार के अंडर में घूमता फिर अच्छे अच्छे महात्माओं के पास देखा, ज़्यादा नहीं घूमा क्यों, नौकरी जो थी अंग्रेज़ों का ज़माना था वो ख़त्म ही हुआ था, अंग्रेज़ों को राज के बाद भी काफ़ी दिन तक उनके दस्तूर चले थे, तो मेरे को क्या था कि वो संस्कार बैठ गया कि भजन क्या होता है। वो पूछा उस सूबेदार से तो वो जो कहानी में बताई है किताबों में लिखे हुए, तो वो फिर वो लगे मैं भजन करता हूँ, तो भजन क्या होता है ये मेरे लिए नई बात थी, गांव का आदमी था, यंग एज थी, तो यंग एज में घोड़े वाला को देखता तो घोड़े पर चलूँ, और कार को देखता कार को, और पायलट को देखता तो मैं पायलट हूँ, मतलब उमंग होती है ना वो, तो उमंग थी और बाकी इस चीज़ का अभाव नहीं था। अभाव का मतलब दो कुंड के सुधार की रंग थी, तो उस वक्त सुधार वो सबसे इंडियन आर्मी तो बड़ा प्रमोशन था, सलाम अंग्रेजी राज था तो सलाम सलूटी बहुत थी, जहाँ निकलता बस सलूटी सलूट होती थी, तो ऑर्डिनरी आदमी को इतना जान, मुझे कहते प्यादे से फर्जी बना टेढ़ा टेढ़ा था, प्यादा था ना प्यादे से फर्जी बन गया मालिक बन गया, तो ये हालत थी। तो वो बता रहा है कि सत्संग के बगैर ये विवेक नहीं होता। अब सत्संग का क्या है, तो सब्जेक्ट कल ये था कि आप कल वो बताना कि भाई गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, इसका क्या मतलब है, कमाई करना कि नहीं करना, क्या नहीं करना, इससे स्वयं में क्या है नहीं, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, तो कमाई क्या है, इस ज्ञान के लिए कमाई साधन करके अनुभव करना होता है कि बोलने वाली चीज़ क्या है, तो अनुभव करने से ये कमाई है पूरी। दो दो छः छः घंटे बैठते हैं, रात दिन ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, जूठा खाते हैं, उसके लिए पैर धोते हैं, शरणामृत लेते हैं, ये कितने काम करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कमाई करनी पड़ती है। इसके इसलिए ताकि गुरु हमको भेद बता दे। गुरु ने दिया अब भेद अगम का सुरत चली तदेश ब्रह्म का, जिस चीज़ का उड़ जावा है, जिस आनंद दे रहा है उसका भेद गुरु देता आगे। तो अगर सत्संग में किसी को ये ज्ञान हो जाए तो उसको कमाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसने समझ लिया और विश्वास है हो गया, तो कभी कर लिया ठीक है, अनुभव कर लिया चाहे तो, पर सारे दिन वो साधन में नहीं बैठा रहेगा कि क्या कर रहे हैं महाराज के भजन कर रहे हैं, महाराज भजन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका भजन बढ़िया नहीं, क्यों, भजन बढ़ने के बाद में यह है कि आदमी हर तरह चलते फिरते खाते पीते, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है गीता में, जिसको जीवन मुक्त कहा है, जिसको निर्वाण प्राप्त कहा है, निर्वाण ये मतलब उस दाखिल उसकी मुक्ति होगी, तो ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो गुरु मिले मतलब गुरु ने भेज देते नहीं आखिर तक, अब जितनी पूरी उम्र जाते हैं वो इसका कारण होगा, शायद गुरु ने इसलिए नहीं दिया होगा कि अब ये समझने के योग्य नहीं है, छात हो सकता उसमें लाइक, क्यों हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते ना कि उसकी क्या स्थिति होगी, उसको डर था
कि अगर कोई भेज दे देता था लोगों को तो लोग उसके पीछे हो जाते थे। तो सुकरात को मरा दिया गया था, इसी तरह ईसा मसीह को मरा दिया गया था। हो सकता है कि इस डर से लोगों ने सच्चाई नहीं बताई हो, क्योंकि अभी हम ये लेते हैं कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो वो तो हमारे नेगेटिव थाट है। अब क्या पता उनकी क्या स्थिति थी, हमको मालूम क्यों नहीं। इस युग में भी तो नहीं बता रहे। हाँ, इस युग में जो बता रहे हैं उसकी कौन सुनता, मैं बताता रहे हूँ। जैसे पंडित फकीर चिंदी ने बताया, उससे ज़्यादा तो कोई बताएगा नहीं। जितने बताया पंडित फकीर चिंदी खोल के आप पढ़ते थे, भेदी है आप उसकी किताब के साहित्य की, उतना बताया। कितने उन्होंने पकड़ा उसको, रूढ़ी छुटती नहीं पीछे। कहते वारे सा आदतं जानदी नहीं, कट कट करिए बोटियाँ नहीं। वारे सा कहता है मुसलमान किसान का भी है भगत, यानी वो कहता वारे सा आदतं जानदी नहीं, आदत छुटती नहीं, पर कट के बोटियाँ खरीदो फिर भी उसमें आदत रह जाता, गुण रह जाता। तो वो हो सकता है, मतलब ये मैं इसका वो खंडन नहीं कर रहा हूँ, पिछले महात्माओं का ये खंडन नहीं कर रहा हूँ कि वो उन्होंने बताया नहीं। प्रेम में कहता हूँ भाई बताया नहीं कोई, क्या क्या कारण हो सकता है, अभी कारण बता दिया आपको ताकि साफ हो जाए दिमाग कि हमें किसी को नेगेटिव करने का क्या आता है। हो सकता है उनको समस्या हो कि भाई सच्ची बात बता दोगे तो फिर गड़बड़ होगी। कबीर जी ने कहा एक दो जगह, साथ कहूँ तो मार ही ये तुरकानी जोर, बात करूँ परलोक की कह गए पकड़े चोर। कबीर का शब्द एक छोटा सा दो कि सच्ची बात कहूँगा तो ठीक नहीं, साथ को मारे तुरकानी जो तुरकूँगा जोर है भी, और कहीं कुरान शरीफ की बोला कि नहीं बोला तो मेरे को मारेंगे। साथ कहूँ तो मारसी ये तुरकानी जोर, ये राजधानी का बात कहूँ परलोक की, मैं वो बात कहता हूँ तो जिसको पता नहीं, अरे कह गए पकड़ मुझे कहीं तो चोर सा लिखी लिखा, कहाँ बता कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है वेद में, कहाँ लिखा। तो हो सकता है, मैं आपको साफ कर रहा हूँ तो वेद कि पहले महात्माओं ने क्यों नहीं बताया, तो केवल खंडन नहीं है कि उसने बताया नहीं थी, उसका कारण हो सकता है, उनके कारण को हमको पता नहीं। पर बात यह है कि वो बात साफ बताई नहीं गई, हो सकता राज के भय से नहीं बताई हो, हो सकता उनको लालच था कि सेवा नहीं करेगा आदमी, कोई दिन सेवा करे, सच्ची बता दूंगा सेवा नहीं करेगा, हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते उन्हें क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसका पता तो है नहीं किसी को। पर जब जितने आपने जो चले आए उनको सच्चाई के लिए मना कर दिया, किसी को बताया नहीं, जिसको बता दिया ना उसको गुल्ला ठोक दिया, कबीर गुल्ला ठोकता है कि धर्मदास तो जे लाख दुआई सार भेद बाहर नहीं जाई। धर्मदास खास चेला था जिसने बड़ी भारी बड़ा मालदार धनी आदमी था, वो सब का सब खड़े सिर्फ दान कर दिया सब धन जो था। कबीर ने कहा पर धन दान कर यार धन मुड़ जाएगा, तो उसके कहने पर कर दिया और उसको सच्चाई बता दी कि सच्चाई यह है, सच्चाई थी मेरे में नहीं, सच्चाई मानने वाले में, सब केंद्रीय सुरंश से। और फिर बोला धर्मदास तुझे लाख दुआई सार भेदभाव नहीं, जब बताना नहीं किसी को। और राधा स्वामी बाणी भी ये लिखा है उन राधा स्वामी के, संत बिना कोई भेद नहीं जाने वो तुझे कहीं अलगम, अब अलग का टाइम कहाँ मिलेगा, आज मिला कल नहीं मिलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, तो मतलब जिसने पहली बता दी जो बात है आखिर कमाई करो ये करो साधन करो, साधन में डाल दिया पहला दर्जा पास कर दिया, फिर आगे दूसरा करा दिया, फिर तीसरा करा दिया, चौथा करा दिया, ये कमाई है। अब तो कहते हैं मैं बैठी नहीं ये कमाई का अड्डी है। और मैं जो बता रहा हूँ बात अगर ये समझ जाओ तेरे को कोई खास बात नहीं, आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, साधन बन जाएगा, साधन तो कर लिया तो देख लिया, सहज में सहज उस जाएगी अपना। पर अलग अलग प्रकृति होती है, सब के लिए एक तरीका नहीं, अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो गुरु क्या है वो सबको एक एक मंत्र नहीं देता, सबको नहीं कहता राम राम जप लो, जैसे देखता है कि जपना तो जब बता देगा, कहीं कहते जी मैं नहीं ऐसे चुपचाप करता हूँ, मैं घुट जाता हूँ, मेरे को तकलीफ होती है, तो उनको कहा तो बोल के राम 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 जो से जप करेगा, सबकी अजपे से नहीं लगती है, अजपा करते ही ध्यान और कहीं चले जाता है। खूब लगा, बड़ी मेहनत करी उनने, जैसे सब में आने के बावजूद भी बैठते थे। वो बैठते थे आखिर बैठते थे, उनको शांति मिलती थी उसके अंदर, वो टिकाव मिल जाता था, बजाय बक बक धक धक नहीं करनी पड़ती, कमाई कर रखी थी अगर ध्यान क्या अपने गुरु का स्वरूप आ जाता या प्रकाश आ जाता था, आगे तक चले जाते थे या सब जाता होगा, सब कुछ आया उनको, ये कमाई थी उनकी, पहले कमाई करनी पड़ी उनको। सुन ली सखी तुझे मर्म बताऊँ नई बात एक तो ही बताऊँ, राज श्रावण में लिखा है, वो बता रहा हूँ कि गुरु मेरे फिर कहाँ कमाना, जब उसने भेद दे दिया भेद के लिए बात थी या भेद जानने के लिए या उसको अनुभव कराना था, पहले अनुभव करा कि फिर करना नहीं था,
और वो जितना कराया उतना कराया फिर छोड़ दिया, क्यों वो ख़त्म हो गया गुरु, वो ख़त्म हो गया। और जैसे तू कहती है पहले बता दो बात, फिर बताने की जरूरत नहीं कि जब तक यहाँ तक तुम नहीं आओगे तब तक तुम मुक्त अवस्था पूरी नहीं जा सकते। आखिरी टाइम पर तुम शब्द में लीन नहीं होगे तो दोबारा आओगे। इसे जितने साधन हैं वो ठीक है, प्रकाश का ठीक है साधन, बहुत अच्छा एक मंडल है, वो एक मंडल है जिसमें दुख सुख नहीं है कुछ, वो जो है वहाँ दुख सुख की अवस्था नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन आनंद की अवस्था तो है नहीं, आनंद नहीं रहेगा तो बेचैन हो जाएगा आदमी। जब तक आनंद आया तेरे को साधन बन गया तो तू खुश होगी, जिसे नहीं बढ़ेगा दुखी हो जाएंगे। तो ये भी एक आदत पड़ी हुई नहीं। तो कहते गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, गुरु ने बता दिया आपको सीधा, खैर सब कुछ मंजिल मुश्किल आप हैं। ये बात करने के लिए दाता दयाल ने कहा अपने फकीर सिंह जी को, तुम मरकज़े आलम है मर्दे फकीर, अरे तू है सब कुछ, घूम रही है पूरी दुनिया तेरे गिर्द हो के असीर, तेरी तरफ चौथक काट रही है पूरी दुनिया, तू मरकज़े आलम है। क्या मतलब तेरे ने बोल रही है वह चीज़, वो उसका अंश शक्ति उसमें। आदमी कहता है मेरे में शक्ति, मेरे का मैं का नाम है, ये आदमी में शक्ति। गुरु का मतलब ज्ञान ही दे दिया, ज्ञान ही तो गुरु है, और वो ज्ञान देख सच्चाई बता दी, फिर उसका करना क्या है, क्या उदाहरण है मेरे पास इसका, बताओ उदाहरण क्या है, बातें करता हूँ उसका प्रूव इट, अगर नहीं प्रूफ चाहता है ना, तो मेरे पास प्रूफ ये है कि मैं जब ये मेरे को बताया गया कि भाई आप जो हैं साधन कराया करो, ये साधन सूर्य क्या, तो मैं भजन करता हूँ, तो उससे भजन क्या था किसी ने बताया तो है नहीं। अब एक तो ये होता कि मेरे को कोई नाम दे देता, मैं नाम जपता रहता कई दिन तक, काफ़ी कमाई कमाई थी, गुरु मिलता कि अच्छा ये नाम लो राम नाम कई दिन जपो, मुझे ये बताता। अब इस चीज़ के लिए मैं आया नहीं, पहले चरण सिंह महाराज के पास और कई महात्माओं के पास गया, अब तो मैं समझता उनका भजन बढ़िया नहीं था, जो ऐसे कर रहे थे माड़ा बेचारा माड़ा मन टिका रहे, मन टिका ही नहीं था, ये भजन का मतलब मन टिक गया, मन रुक गया, आज यहाँ पर अनुभव कर लिया। अब अनुभव को पीछे छुटाने के लिए गुरु में छुटाना आ गया कि तू प्रकाश, तू रूप जो बना रहा है ये तो तू बना रहा है, राम रूप नहीं आता, राम तो तू, तू खुद राम को पैदा करता है, कृष्ण नहीं आता तू खुद पैदा कर, देवी को तू खुद पैदा करता है, जिसको तू मानता है उसको तू पैदा करने वाला है, राम को राम का देखा नहीं, भक्तों ने पैदा कर दिया। तो ऐसा है कि मनुष्य पैदा कर रहा है सबको, देवी कहीं देवी नहीं आती, कहीं राम क्यों, जब मैं जीवता नहीं जाता हूँ। पंडित फकीर सिंह यही तो बात कही, एक दिन में कोई एक आदमी अंधा हो जाता था, नई यूनिट में गया था कोटा बूंदी, यंग लड़का था, तो शाम के टाइम पर वो कहीं गाँव गया था, गाँव को साधु उसके बाप ने उतार दिए आमा के बगीचे में, साधुओं के पास हो रहता था, वो जो गया लड़का देखने तो भांग उठ रहे उधर, उस घर से भांग पीते सड़े थे पखंडी, और कुंडी छोटा पकड़ा फोड़ दिया, निकलो इधर से, आम खाते हो सारे दिन बैठ रहते हो, वो निकाल दिया। एक साधु बोला भाई परमात्मा कहते अंधे हो जाओ, बोले चल चल ऐसे कबों के ऐसे ऊँट सब मर जाएंगे, कभी दसा दिन दूर दिन ऊँट मर जाएगा फिर खाएंगे उसको, चल कुछ नहीं। अब वो बात तो कह दी, फिर बाद में उसका संस्कार बैठ गया, क्यों हिंदू था ना समझा दुर्शीस होती है, तो दुर्शीस का बैठ गया, वापस आया तो उसको दिखा नहीं, ड्यूटी पर जाए तो बंद हो जाए दिखना, तो सुबह के टाइम ड्यूटी चलती है उस टाइम पर उसको दिखता कुछ, ये मतलब कुछ टाइम तक 8 बजे 7 बजे तो ड्यूटी की टाइम होती है दिखता नहीं था, और जैसे जैसे ड्यूटी की टाइम ख़त्म हो जाती दिन दिखने लग जाता, तो वो हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने फिट कर दिया, रोने लग गया वो करा तो मुझे साधु ने मारा, अब कौन सुने, तो डॉक्टर कपूर होता था उसके पास बड़ा था, उसको देखता डिस्चार्ज होता उसको देखता था, आखिर डॉक्टर ने फिट कर दिया, तो रोने लगे जाके बोले साहब मेरे रात को साधु ने मारा मेरे को, ये करे खून मेरा पड़ा है ऐसा है वैसा है वैसा। कपूर था भगत व्यास का सत्संगी था, तो कपूर बैठा हुआ था एक दिन कोई सिखों के गुरुद्वारे में सत्संग हो रहा था, तो मैं बड़े बोलने की आदत थी, मैं बोल कुछ बात कर दी बोल रहे थे, तो कपूर को बात बड़ी अच्छी लगी वो, तो कपूर ने पता क्या बोल रहा था मुझे पता नहीं, उसको होश ही नहीं था बात का, तो कपूर ने कहा ये कौन है, बोला कि सेवंथ गार्ड का सूबेदार है जो खड़ी हुई सेवंथ गार्ड सिग्नल जी शिव कम्युनिकेशन अफसर था, कहने का इसको कड़ा मेरे से मिलेगा, तो मैं जाके मिला कपूर साहब से, हाँ साहब आप बोला, हाँ बोले आप हैं लालचंद, हाँ अब आप बोल रहे थे आज इसलिए मुझे क्या एक बात है, आपकी यूनिट का एक जवान है जो जवान को तकलीफ है, को साधु उन दुर्शीस दे दी, नहीं तो फिर कभी सुनते ही बात भगत था ना, तो उसकी मदद करना, मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसने आई स्पेशली फिट कर दिया,
और वो कहता जी मेरे को रखो, मैं लिख सकता जो अफसर जो स्पेशलिस्ट था उसने फिट करे, लिख दिया फिट है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसकी मदद करना कोई ये वो ठीक है साहब। मैं उसको बुलाया, बातचीत करी, उन्होंने तो क्या बोला ऐसे ऐसे बात क्या हुई बताई, पूरी कहानी बताई उसने। मैं सोचा ये ठीक है, साधु सुधु विश्वास दे दूसरी दे दिया, बोला गया बात ठीक है। तो गया बोले जी मेरे को दिखता नहीं ऐसे, ड्यूटी चलती है नहीं जाता और फिर दिखने लग जाता ठीक है। मैं उसका जो इंचार्ज था सूबेदार रतन सिंह नाम था एक बाद में सुधार में, उसको बोला रतन सिंह ऐसे करना ये आदमी इसको छुट्टी दे देना 10 दिन की। तो बोले सारे साहब तो पकड़ लिए बहुत, वो बड़ा झूठ बोले वो ये करा वो करा, क्यों ऐप बना देते हैं, एक वक्त ऐसा होगा कोई ऐप। मैं बोले वो छोड़ यार, तो उसको 10 दिन छुट्टी दे सकता है कि नहीं दे, तेरे को तो कई हिसाब वो छुट्टी देनी है। बोले ठीक है मैं करूँ, मेरे भगत होते थे ना वो प्रेमी थे मेरे, रसूल था ताल्लुक था अच्छा, फिर उसको छुट्टी दिवा दी, वो घर गया था, घर घर में रह रहा वातावरण देख के वहाँ से जो वापस आया तो मैं जाते उसको बताया कि ये जो गुरु है ना फकीर से फोटो दिखाया मेरे टेंट में लगा, टेंट एकोमोडेशन था, मैं कहा ये जो है ना महात्मा सब गुरु जितने साधु हैं सबका गुरु है, तो तू इनसे प्रार्थना कर लेना, इनसे कर लेना कि मैं आपके साधु हो जो कुछ कह दिया आज्ञा नहीं कहूँगा बाबा जी मेरे वहाँ कर दो, और तेरे वो उसका तो रोक ही पार कर लेना, तो ये साधु को वो ठीक माफ़ करा देगा तेरा, ऐसे अन टाइम बात बता दी। वो चला गया तो वो दुखी था, नौकरी छोड़ी देने वाली थी ना, तो उसमें बस ही क्या रोता है उसके सत्ता दिल से उसको याद कर बाबा जी। और जब वो वापस आया छुट्टी काट की तो उसे दिखने गया और काम करने गया, ये बात उन्होंने पत्र में कोई लिखी बाबा जी को। और जब आया तो बाबा जी ने पूछा मेरे पास सुन जा, तो उसको कुछ किया क्या जो अंधा हो गया था सिपाही उसको तय किया कुछ आपने कराया? मैंने बताया आपको बता दिया, हम सब साधुओं का गुरु ये है ऐसा ऐसा। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं गया, मेरे को नहीं पता ये बात, तो पहले की जो शिव पत्रिका में लिखी हुई है मेरी बात, पर फकीर चंद जी ने निकलवा दी थी पत्रिका में कि लालचंद साहब को पता था कि ये बात है ये बात है, इसलिए इसलिए मैं बता दिया, इसको दिखने गया मैं उसको पढ़ गया था साधु शीष मानता था मानस देव में था, ऐसी बातें पढ़ी। तो अब वो गुरु क्या बताया उसको भेद बता देता है। अपन फकीर चंद ने कहा मैं तो नहीं गया, तो गया था आप ही गए थे आपने कहा, बोले मैं भी नहीं गया, ये सिर्फ उसका ख्याल था, ख्याल का मामला ऐसे ऐसे है। मतलब गुरु जो मिलता वो भेद दे देता उसको अपने शिष्य को करिए, तो सच्चाई बता देता उसको, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो साधन नहीं करता ज़्यादा साधन नहीं बावड़ा नहीं बनाता, काम करता है खूब अच्छी तरह से और हमेशा उसके सामने पिक्चर रहती है काम करता रहता। तो गुरु जो सच्चाई बता देता है कि वो तेरे साथ है, जहाँ तू खड़ा वहीं पर है, किसका साधन करता है किसकी करता है, अरे वो तेरे अंदर ही है, जिसकी तू साधन कर रहा है वो बाहर से नहीं आ रहा है, ये भेद बता देता है। इसको कहते गुरु ने दिया भेद अगम का सुर चलित देश ब्रह्म का, इन पर ही उसने भेद दे दिया कि तू ये जो देखता है वो तो तू बनाता है, उसको मालूम हो गया तो उसको छोड़ेगा कि नहीं, जब प्रकाश में जाएगा प्रकाश का अंध करता रहेगा खूब कई दिन योगी बना रहेगा, जब ब्रह्मचारी प्रकाश में रहते हैं कि उधर कुछ है नहीं अंध के शिवाय, सुरत मिश्र की तरह खेलती प्रकाश में सफेद बसी रहती, तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। अब उसको गुरु बताया छुटाएगा, ये अगम का भेद देगा कि ये तो बीच मुड़ दिया तो आनंद उड़ दिया, वहाँ आनंद आनंद कुछ नहीं है, वो मंजिल पर कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसमें मिल गया फिर किसका आनंद किसी भी आनंदी न दुख है न सुख है, पर ईश्वर बन जाएगा, तो ये भेद दे देगा तब वो छोड़ेगा उसको, नहीं प्रकाश को छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है और ये अगम का भेद है। अब कोई अटका बैठा है पहले दर्जे से, लड़की अटकी थी बैठी बोली मैं पहले रूप बनाती थी आपकी किताब पढ़ी के कोई नहीं आता बाहर से, सब कुछ मेरे में शक्ति है, तो मेरा विश्वास टूट गया रूप नहीं बनता, अब मैं क्या करूं, अब मैं प्रकाश को पकड़ बाहर डायरेक्ट थी, मैंने कंडीशन को पता था गृहस्थी है तो गृहस्थी को काफ़ी दिन तप करना पड़ेगा, तो तुम गृहस्थ को भोगो कैसे, संतान के लिए स्वाद के लिए तुम इधर ध्यान कराया करो जो भी करते हो, और ध्यान से क्या देखो सफ़ेद रंग का प्रकाश मजरे मकसूद है, उसको पकड़ो बीच में रूप जो आएगा वो आएगा, रूप आप बनाते हो, और कईयों को रूप बनता है और आता नहीं, रूप आसानी से नहीं बनता, रूप तो इतना प्यार हो जिसका कोई हिसाब नहीं कि मैं क्या करूँ गुरु का, सब कुछ मैं तो वो सब कुछ मेरा माल बाप सब कुछ, तो मन इकट्ठा होता है, अलग अलग प्रकृति है, सबको एक ही साधन नहीं खुलेगा, तो गुरु उसको भेद बता देगा जिसका गुरु क्या हुआ उसका आगे का, और ऊपर ही बता दिया, तो वो जो बता देगा जब सत्संग में, उसके बाद इतने मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं पंडित फकीर सिंह जी का बात बताई नहीं महाराज जी ने,
कि मैं नहीं आता हूँ। दाता दयाल ने बताई नहीं, क्योंकि शायद उसमें सही समझता था कि बता दूंगा शायद आगे साधन नहीं बनेगा कोई, या पता नहीं उसकी मौज की बात है, वो तो वो जाने। तो उन्होंने बताई नहीं, सीधी नहीं बताई कि फ़कीर मैं नहीं आता हूँ। वो बोले मेरे को बाबा तो बताओ, जो तुम्हारा राधा स्वामी फिर बताता है हमेशा, बताएंगे तेरे को बताएंगे। फिर एक दिन शब्द गाया उसने, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, पंडित फ़कीर सिंह जी ने अपने गुरु के सामने, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप धरया तुम सैगुण जीव बार कराओ, ये तो सैगुण रूप बनाया था जीव को आदमी बन की ज्ञान दे दो, रूप तुम्हारा अगम अगोचर सोई हम मौको दर्शाओ। इन प्रार्थना की आपका अगम अगोचर है रूप आपका, वो दर्शाओ मेरे को, देखूँ रूप मगन हो बैठूँ, अभयदान दिलाओ, आपका रूप देखूँ तो मेरे को अभयदान मिल जाए, कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, देखूँ रूप मगन हो बैठूँ अभयदान दिलाओ, ये भी भेद सुने मैं तो से सुरत शब्द मार्ग नित गाओ, ये भी मैंने आपकी किताबों में पढ़े भेद सुना है कि सुरत और शब्द मार्ग नित गाओ, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा तब में मेरी सुरत बैठाओ, तब मेरे को सुन लगाओ, वो प्रार्थना कर लेंगे। तो शब्द रूप जो रूप तुम्हारा वह में भी सुरत शब्द सुरत बैठाओ, ऐसे ऐसे कहिए, ऐसे करिए भगत है, देखूँ रूप मगन हो बैठूँ अभयदान दिलाओ, जो रूप आपका सब देख लूँ फिर मेरे को अभयदान दे दो, ऐसी प्रार्थना करी उन्होंने कि भाई आप मेरे को वो बताओ रहा तो बणी का शब्द है। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक, कल दिखाऊंगा तेरे को। कई दिन हो गए ना उसने बहुत रोटी बना के खुवाई, मालिश करता था, खाना बनाता था, सब कुछ गुरु का सेवा करता था, खाना जाता था फकीर बनाता था। अब फिर वो क्या किया कि उन्होंने डायरेक्टर नहीं बताया, ये वो भेद बताया नहीं, कहा तो ऐसे दूसरे दिन 5 पैसे नाड़े दे के बोला तो गुरु आज से सत्संग भी करा कर रामदान भी दिया कर, अब मैं तेरे को जो काम बताया है इसलिए सत्संग दिया कर और रामदान भी दो, क्या चाहता है ध्यान कर दिया कर के था इसका ध्यान कर दिया कर, अब वो तू फ्री कर दे, क्यों जमाना ऐसे आ गया कि ज़्यादा होशियार हो गए ना ज़्यादा विशाने, तो वो धीरे धीरे तेरा विश्वास बैठता है, कहीं मुझे मत कर मेरा ध्यान कर, आज का गुरु ये कहते मेरा ध्यान कर लें, क्यों वो गुरु ही चाहते तो आप तो मुक्त हैं, मुक्त होने आज भी क्या बोलेगा तेरे जी के तो ध्यान कर लेना राम कर एक को करेगा, जब वो आने लग जाए फिर बता दे, फिर बता रहा उसको कि वो तू बढ़ाता यार राम रूम नहीं आए इधर से, जब मैं कहता हूँ जब मैं जीवता नहीं जाता तो किसका राम आता है, किसकी देवी आती है, किसका बालाजी आता है। तो ये भेद गुरु जब दे देता है वो देते नहीं कम वक्त, अभी तक भी रगड़ते हैं जैसा कि खूब सेवा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं पूरा करते हैं, अब कारण उसका अलग अलग हो सकता है। मुक्त आदमी जो होता है वो ये नहीं था सेवा आज करे करे कल चले जाए, आज आए कल चले जाए कोई बात नहीं, वो जानता है इसको मैं गलत तरीके से रखूँगा तो मैं तकलीफ पाऊँगा, समझे कि नहीं, वो अपनी गर्ज के लिए कोई काम जो करता है वो ठीक है, उस चेले को सुधारने के लिए करे तो अलग है, हो सकता है दाता जी दयाल ने समझा होगा ये ठीक नहीं ऐसे होगा, हो सकता है ये भेद नहीं दिया और वही वो तकलीफ पारता है, और जिस दिन समझ उसको आई रगड़ा ठीक रहा ना उसने अपना समझ नाम देने लगे और उनके अंदर भी गुरु उनका रूप प्रकट होने लगा, स्वामी फकीर सिंह जी का कोई लड़ाई हुई तो लड़ाई के मैं गिर गया था पंडित फकीर सिंह जी गिर गया आश्रम उसका वो स्टेशन, तो सुबहदार ने कहा कि अभी तो अमनेशन नहीं है, तो पंडित फकीर सिंह जी ध्यान किया फट दाता दयाल आ गया, कहने के फकीर इनको बता दे हमला नहीं करेंगे, इनकी लाश पड़ी है लाश ले जाने, इनको बता दे घबराओ मत, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मामूली एक कभी टक एक पैर कह दिया करो 5-10 मिनट के बाद ताकि हाजिर और ये आई है नहीं आप लाश ले जा रहे हैं, ये उनका मन ही था जी, ये मन ही था, मन ही बढ़ाता था तो मन ने रूप बढ़ा लिया, वो हमेशा रूप सामने रहता था, भी मन नहीं बताई परमदयाल जी, पर ये उनको पता नहीं चला, अब इसका पता ऐसे चला कि बहुत जिस दिन लड़ाई हुई उसने वो पंडित फकीर सिंह जी को जो नाम दिया था ना फकीर सिंह जी ने और जिनको सत्संग देते थे उनको स्टेशन मास्टरों के साथ ये घटना घटी, जब इकट्ठे हुए लड़ाई के बाद में तो इनको बैठाया ऊपर उठा के बोला बैठो सत्संग दो सत्संग, फिर ऊपर क्यों उठा रहे बताता दया थोड़ा बोलने में आप सब कुछ बैठे उनसे उसमें बैठा के फिर उन्होंने अपनी हालत बताई कि आप क्या आपने कृपा करी हमारी कोई हमारे तो दस हज़ार दूध नहीं आया आप आए आपने ये कर दिया आपको हमको ये बचाया ये बचाया, तब उन्होंने सोचा जब मैं गया नहीं तो इनके अंदर दत्ता जाल भी मेरे अंदर नहीं आता, अब समझ आई कमाई करने के बाद पूरा पापड़ बेला सेवा करी मालिश करी खाना बनाया ताज बना के दिया सोने का ताज चांदी का क्या कहते हैं ऐसे ऐसे कैसे सब कुछ दिया उन्होंने बढ़ा के,
और फिर इतना रगड़ा दगाने के बाद यह समझ आई, अब तो थी कमाई, और बगैर कमाई का कहाँ या जैसे मेरी समझ ले। मैं जब चक्कर मारता मारता गया, फिर आखिर पर फकीर सिंह पर उसके पास पहुँचे, चरण सिंह के पास, सावण का भंडारा था, मैं गया तो बावड़ा हुआ था मस्ती में, तो ठीक है गुरु जी सब कुछ, तो वो कहते भगवान यही है, तो वो कहते थे ना, तो मेरे को गांव का आदमी था, मुझे पता मैं बेड़े के बेड़े हो गया, ठीक है भगवान ने, तो मैं सोचा दर्शन करे हूँ जाके, कोशिश करूँ जाने की मिलने की, तो मेरे को जान नहीं दे, कोठी में जाऊँगी आप भी आप नहीं आपको नहीं मिला, आप चलो वो फलाना जगह सेठ आएंगे, फलाना आदमी आएंगे, उसको बुलाते खास वी आई पी जो दान देते थे। तो तीन दिन बाद मेरे को जान नहीं दिया किसी ने, तो मैं एक दिन सेवा हरी मिट्टी की सुबह सवेरे मैं जाए खड़ा हुआ, तो दुनिया जारी थी दरवाजे सेवा मिट्टी दिया, तो मैं सोचा मैं तो सुबेदारी की रही कमीशन ऑफिसर हूँ, मेरा काम थोड़ा ही अपना सेवा करने वाले तो निचले आदमी हैं, मैं थोड़ी टोकरी थोड़ी रखूँगा गजटेड अफसर हूँ, मैं अपना खड़ा ही घूम खड़ा देखता, मैं कई देर तक देखता रहा जब सेवा हरी, मैं तो सेवन ब्रिगेड का ब्रिगेडियर था हमारा बुद्री वहीं, वो ब्रिगेडियर भी टोकरी उठाए जा रहा है, मैं कहा है ये कौन ब्रिगेडियर साहब, अब मेरा जो पारा था ना प्रसाद भाई गो का नीचे अगर ब्रिगेडियर ले जा रहा था तो क्या चीज़ है, टोकरी में तो कोई कस है, इसमें कोई दम है, वो बातें सोच ही रहा, तब तक मैं देखता हूँ एक सेठ डेली सी धोती थी, कोई तो पल्ला पकड़ा धोती का टोकरी पकड़ा के ऊपर छोटे इतने मुझे डालते थे बनाओ के लिए, और सेठ जी ऐसे साले साकुन मेरी तो टांगा ही ऐसा होता था, ये कुल बोले कलकत्ते का सेठ है 10,000 रुपये कल दिए हम आश्रम मंदिर बनाने की आश्रम बनाने 10,000, उस दिन 10,000 के 10 करोड़ के बराबर थे, 10,000 रुपये महीने रखते थे उस जमाने, उन्हें सपनी बात कर रहा हूँ, मुझे सेठ इतना बड़ा 10,000 रुपये दिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगला तेली, तेरे को तो 160 रुपये मिलते हैं, सुबेदार साहब रहते हैं ब्रिगेडियर ले जा रहे सेठ ले जा रहे, इस टोकरी में दम है अभी कुछ, तुम जाके फट उधर तेरा तो पहले तैयारी खड़े थे, वो देख रहे थे मूड देखा ट्रक इतनी डाली टोकरी एक दूसरी टोकरी डाल के वापस आ रहा था, तो देखा चरण सिंह महाराज बैठे हैं एक चारपाई में छोटी सी, और एक बाबूलाल जज था रिटायर्ड वो उसका सेवा खड़े पास, मैं बाबूलाल की तरफ देख के मैं जज साहब बात कर लूँ महाराज जी से कोई, क्यों भाई तो मुझे था ही नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज अफसर पाया था उन्हें बढ़ाया था तो उनका डर लगता था, धर्म देखो था ना, तो महाराज चरण सिंह बोल बैठे, अरे बोले भाई तो कोठी में आकर के आ जाओ उधर पूछ लेना जो कुछ पूछना चाहते हो, यहाँ तुम आओगे इकट्ठे हो गए सब सत्संग इधर इकट्ठे हो जाएंगे, मिट्टी की सेवा रुक जाएगी भैया, उन बात सही कही उन सच्ची बात बताई, और खट मेरा कारण डर ये तो कोई भगवान नहीं है, भगवान तो मालूम होता इसको पर रोज आवा बेटा तो आ, इस एक बात से सब विश्वास गिरा दिया, और टोकरी फिर आगे नहीं लेगा उठा ले जाए टोकरी पीछे रख कर गिर ताकि बिस्तर पड़ी चल पड़े, बुद्धिमान थे दिया। अच्छा बुद्धिमान नहीं था, अरे कोई मेरे संस्कार थे यार बताऊँ, अब ये है गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, अब मुझे ज्ञान मिल गया ना वो कि ये भगवान नहीं है गुरुदाऊँ ज्ञान का है समझा कि नहीं बात, तो जो ज्ञान देने वाला गुरु मिल जाए तो पहले चरण सिंह ने ज्ञान दे दिया कि मनुष्य में वो नहीं है भाई, वो होता मैं तो बताता मेरे को, तो मेरा विश्वास टूट गया, मैं चल दिया मुझे, तो जब ये बात बताई महाराज जी ने तो मेरा जो भ्रम था ना ये जो गुरु को भगवान मानते हैं ये तो उसने चरण सिंह महाराज गुरु ने जो कि भाई भ्रम गुरु मिले तो भ्रम न साई, तो उनकी सच्ची बात से मेरा भ्रम दूर हो गया, अगर वो सच्ची बात नहीं कहते ये चुप रहते तो मैं वहीं का चेला बन जाता, वहीं मोट टोकरी डोता रहता पूरी उम्र, समझे ना बात, और दूसरा भ्रम जो क्या है ये जम वगैरह पैदा होते हैं रहते हैं डराते हैं जम डराएंगे ये करते हैं वो करते हैं जो आते हैं नज़ारे जिसको सत्यवंति देवी आ गिरी आ गई, ये अपने फकीर जिंदगी के दर्शन से ही ठीक हो गया, कैसे हुआ कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था जलंधर तक तो रस्ते में पूछा भाई, फिर याद आई कि अपने फकीर चंद जी की चर्चा करते हैं तो कहने लगे अपने फकीर चंद जी हुशियारपुर में रहते हैं, ये बात तो अलीगढ़ का एक स्टेशन मास्टर करता था, मेरे दिमाग आई कि वो एक महात्मा बताया कोई हुशियारपुर में, तो चलो उसकी फिर से जाए हूँ 3-4 दिन बाकी घर नहीं जा सकता तो वहाँ जाए हूँ, तो विचार बस में बंदी कर दिया, मैं पूछा भाई मैंने हुशियारपुर जाना था कैसे जाऊँगा, बोले आप उधर उतरते इस गाड़ी से बस से और कोई रक्षा कर लेना, कहना मेरे को जलंधर कैंट ले चलो, जलंधर कैंट से जाती है गाड़ी हुशियारपुर, उन्होंने बता दिया रास्ता बस में, उतरा उतरते तंग करिए कंट से चला गया, कंट में गाड़ी बैठ करके हुशियारपुर उतर गया, गाड़ी हुशियारपुर तक ही जाती है गाड़ी टर्मिनल है वो फिर वापस आ जाती है,
होशियारपुर जाते में बाहर निकली, मरो भाई कोई इधर नाम भूल गया कि उसका नाम फकीर था, अरे कोई बड़ा महात्मा रहता है क्या यहाँ पर, अभी यह जबान निकली तो एक रस्से वाला कहने लगा, हाँ हाँ जी मैंने पता इधर इतने आओ तुम इधर बहो बैठो मेरी सिर पर, उसने मुझे बैठा करिए घुमा करिए ला के महाराज जी घर खा कर सीधा ले गया ना वो, क्योंकि जो चाह होती है उधर राह होती है, परमात्मा साथ ही तो है अंदर, तो मेरा मन साफ था वहाँ ले गया मेरे को आ गई उतार दिया, मैंने उसको पैसे दे दिया वो चला गया। मैं खड़ा ही था पाँच सात मिनट सोच ही रहा था, तब तक महाराज जी बाहर निकल खुड़ा भाई, तो मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे मैं फर्स्ट गार्ड का सूबेदार हूँ। सो तो सूबेदार है, हाँ कितनी उम्र हुई तेरी, किसी नौकरी है, बात सवाल कर, क्यों उसने सूबेदार देखे थे बड़ी बड़ी मूँछ वाले होते थे 1914 की लड़ाई में, बड़े तकड़े सरदार बहादुर, अब पढ़े नहीं होते थे वो, अब तजर्बा होता था, और मैं बिल्कुल छोटा सा डाली दिली ऐसी कोई नहीं थी। तो बोले अच्छा, उसने सोचा सारी क्या कहती उम्र भी सूबेदार बन गया, फिर हाँ भी कैसे वो महाराज सब पूछना आया हूँ भजन क्या होता है ये पूछने के लिए आया हूँ। तो बोले तो ब्यास गया था वहाँ क्यों पूछा, मैं उधर मेरा मन नहीं माना, तो मन का ही खेल है भाई सब, ऐसे करके आपने गुरु जी की मूर्ति सामने ही, अरे ये जो मूर्ति वाला है महाराज इधर, ये मूर्ति वाला महाराज मनुष्य शरीर में था तो मैं उनकी शरण ली और मेरे सब काम बन गए, और अब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं व्यवसाय में चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ आता हूँ तो काम कर लेता हूँ, कई बातें दो चार बता करी, बोले भाई ऐसे मैं 10 बजे आना, पहले पहले नहीं बताइए 10 बजे बताइए बात, 10 बजे सब बातचीत बताई ऐसे ऐसे करे ऐसे करे। अब वो करके फिर ओका रख दिया, ओका था सट कैसे टर टर कर ओका रख दिया, समाधि में चले, उनकी समाधि की रेडिएशन से आके तो कहता है मेरे ऐसे ऐसे होता है, वो समाधि का रेडिएशन थी ना उनकी, वो आके मेरे को इधर टकराई, कहाँ टकराई सीधी डायरेक्ट इधर, नहीं तो इधर भी आ सकता था, साधन ये बन सकता था कोई भी, ये था आखिरी अलख निरंजन जिसको कहते, और यहाँ पर आते सब एकदम धवनी आ गई राम नाम की, और अटेंशन ऊपर खींच गया ऐसे ऐसे उड़ूंगा। अब वो इस तरह वो कई देर बाद जब होका बजाया मुखले महाराज ऐसा ऐसा मुझे से उड़ूंगा ऐसे ऐसे हो रहा मेरे को ऐसा इस जगह, बोला तेरे कुछ नहीं करना इसी को तो भजन कहते, इसी को कहते नाम, और तू ये ऐसी जगह छोटा छोटा कोर्स है तेरा छोटा सा आगे का, छोटे का मैं समझता ही नहीं था, इसका मतलब छोटी पड़ जाएगा तो क्लियर जाएगा, और तेरे कुछ करना नहीं काम करते ड्यूटी फर्स्ट रिलीजन आफ्टर, पहले कर्तव्य का पालन करते रहना, अरे क्या पाँच चार बात बताई ब्रह्मचर्य पालन करना ये करना बताए खत्म, अब ज़्यादा बात नहीं करी। अब मुझे ये आदत इज्जत करनी नहीं आती थी गुरु की इज्जत कैसे करें, मैं फौज में रहा तो सलूट करना जानता था, टोपी मेरे सिर पर थी नहीं तो सलूट तो कर नहीं सकता, अरे ये जानता नहीं था इसे ऐसे हो गए और निकली, ये 1956 की बात है। अब उस दिन से वो नाम घूमता रहा, और वो करीब 8 साल के बाद 1962 में मैं समय बैठे बैठे सोफा सेट पर समाधि लगी इधर गुम हो गया, कोई देर बाद हो सकता है कि सुबेदार जगाया 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 खाना खुना, 3 दिन के बाद मैं होशियारपुर गया था कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये कहते हैं गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, पहले वो मिले महाराज जी से पता लग गया, पंडित फकीर चंद जी मिला तो उससे उससे मेरे को जमदाम के दो तीन रूप रंग आते हैं वो तुम बढ़ाते हो, उसकी पत्रिका लगा दी मेरे नाम पर, एक पत्रिका शिव वो आती रही घर में कि मेरे को ये साधन पिछले करने पापड़ बेलने नहीं पड़े, समझे कि नहीं बात, क्यों मेरे को डायरेक्ट पहले दिन में पता लग गया, अगर पंडित फकीर चंद जी से पहले दिन पता क्या लग गया कि पत्रिका भेजने लगे और उसको पता और घटना बताते थे कि रूप रंग कुछ नहीं होते, तो उससे मेरे को विवेक हो गया, तो इसको ऐसे कहा है बलिहारी जाऊँ गुरु के जिन्हें मेरा दरस परस भ्रम भाग गया, धर्मराज से तिनका तोड़ा इन जिसको भगवान समझते थे उससे तिनका तोड़ा और दम दुश्मन से दूर किया, तो धर्मराज से तिनका तो चरण सिंह की कृपा से टूट गया तो कोई आदमी भगवान नहीं है, और जो दम दुश्मन से दूर पंडित फकीर चंद जी ने जो अनुभव करा दिया उसके बाद वो उपता था इसके और कुछ नहीं, एको भ्रम द्वितीय नास्ती ला इला इला, तो वो धार का पहले दिन पंडित फकीर चंद जी से अनुभव, इसको कहते हैं कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, इन उसने जो भेद पूरा बात बता दी और सहज सहज वो ज्ञान आता गया भैया। तो ये है कि अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो उसको कमाई या साधन ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, अनुभव कर सकता है ये साधन, मन करें इन लोगों को बताने से पत्रिका पढ़ने से महाराज जी का ये साधनों का पता चला सबका, तब मैं सही समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अगर नहीं चाहता हूँ कोई रूप बना लूँ कोई कुछ
कि बड़े जंप कर आ गए, समझे नहीं। इसको कहते हैं गुरु मिले फिर कहाँ, ज्ञान से मिल गया तो कमाई किसकी होगी। देवता जी रूप तुम बनाते हो सब तुम्हारा है और सब कुछ उसी का रूप है। तो अभी क्या हो गया, एक जीवित मुक्त और समझा 1962 के बाद जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जरूरत रहूँगा। जिधर देखता हूँ उधर तेरे सिवा कुछ नहीं, एक ब्रह्म दुति नास्ती। ये ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने आप आता गया, पत्रिका से आती गई और वो सत्संग जो याद करे उनकी किताबें लिखी ना वो गलत कराते हैं, उसको इंटरव्यू में बताते हैं ये क्या करे हो, ये तो नहीं कहा हमारा दिन ये समझ क्यों लगाया तूने, बोला जी ये उर्दू है समझते नहीं, वो इसका मायने दूसरा हो जाएगा। वो कहते हैं गुरु का ध्यान नहीं करोगे नहीं तो इश्क नहीं आएगा तुम्हारे में, प्रेम नहीं आएगा, जो प्रेम ऊपर खींच रहे आपको तो उसको बनाना पड़ेगा। सब कुछ मेरा मार बाप सबके लिए नहीं है, जिसको गुरु मिल गया उसको फिर साधन सुधन करने के लिए, तो मुझे गुरु मिल गया शुरू से ऐसे सीधा आ गए और कोई कमाई की जरूरत नहीं, कमाई आप प्राप्त होती रही। ये नहीं कि वैसे ऐसे कोई चमत्कार होती रही, रोज पत्रिका आती रही हर महीने की, मैंने जान जाता था सेना में युद्ध में कहीं जाता उसके पत्रिका थी और वो देवीचंद मित्र निकालता महाराज जी सत्संग देते ना, जो ये किताब लिखी इन्हें ज़्यादा लिखी नहीं हाथ से, हजारितनामा लिखा है कोई एक दो चार किताब लिखी दो तीन और कुछ, ये सत्संग देते थे देवीचरण मित्र पूछता था महाराज जी इसका क्या नाम दे दूँ, इसको पुस्तक उड़ा दूँ, तो बोले इसका ये दे दे निर्वाण से आगे हद से बे दिशे परे नहीं नहीं नाम बता दिए, वो लिखता गया बड़ा बड़ी किताब बना दी। तो वैसे उसने बहुत सत्संगों का किताब बना दी महाराज जी ने दिया। ये तो गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, यानी ज्ञान ही मिल, ज्ञान ना गुरु का, ज्ञान मिल गया फिर क्यों कमाई करनी। तो पता वो जो कुछ है मेरे अंदर है सब कुछ आपके अंदर है, सब अपना अपना कर्म भोग रही उसकी लीला है सब। जब ये ज्ञान मिल गया निश्चय हो गया तो ज़्यादा कमाई की जरूरत होने लगेगी, फिर आपका नशा बने रहेगा खुद ही ऐसे आपकी दृष्टि बन जाएगी। तो इसके कबीर साहब ने एक शब्द कहा है, वो कहते हैं भाई को सतगुरु संत को आवे जो निर्णय अलख अलख आवे, वो अलख को लिखा दे निर्णय से इन्हें अनुभव करा दे, डोलत डिगे ने बोलत बिसरे जब उपदेश लड़ाई, जब डोलता तो डिगता नहीं बोल रहा हूँ और बोलता तो बिसरता नहीं, तो क्या नहीं बिसरता, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और उसे नेट हूँ तो कहीं जाता नहीं साथ रहता है। डोलत डिगे ने बोलत बिसरे जब उपदेश दे रहा हूँ, प्राण पूज्य प्राणों से उसकी पूजा हो रही है, क्रिया से नारा कर्मकांड करने की जरूरत को नहीं, मूर्ति को ये करो वो करो, प्राण पूज्य क्रिया से नारा सहज समाज सिखावे, सहज समाज बतावेगा चलते फिरते खाते पीते चलते हमेशा याद रहे बनी रहे उनसे बनी। फिर वो कहते ये मन जाए जहाँ लग जब तक परमात्म दर्शाओ, जहाँ दृष्टि जाती है सबको एक ही देखता है, वो सब उसी वही है, सब के अंदर वही काम कर रहे हैं। एक ओवर ये मन जाए जहाँ लग जब तक परमात्म दर्शाओ, अगर दो कुत्ता कुत्ती लड़ रहे हैं तभी समझ आ गया ये परमात्मा ड्रामा कर रहा है, दो आदमी गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं आपस में समझे ये दोनों परमात्मा है दोनों में और लड़ने का ड्रामा कर रहा है उसको ड्रामा समझता रहे, सब काम परमात्मा देख रहे। एक लड़का है एक लड़की तरफ देखिए वो क्या मोहित होता है उसका, तो कहे लीला है लीला कर रहा है, कामुकता नहीं जा गई उसमें, वो कहे लीला है तो परमात्मा ही लीला है, वो लीला कर रही सब लीला भी खेल है खेल कर रही, समझे बात। ये घटिया में विचार में जाएगा नहीं बढ़िया उसी में आ जाएगा। तो चलते जाते खाते पीते मुक्त और सारी थी, जो काम गलत कर रहा है वो उसके बस की गलती कर रहा है, वो मतलब उसको मजबूरी है करने की, वो करने के लिए आया है, ये परमात्मा है उसमें परमात्मा खेल है परमात्मा, जब सब में है ही वो उसके सिवा कुछ है ही नहीं तो फिर की बात क्या, तो दृष्टि को बदलना पड़ेगा तेरे को कि गलत कोई है ही कोई नहीं सब में वो है, वो काम को पिछला आया इस काम का ड्रामा के लिए, ये सब ड्रामा परमात्मा का है, जो आतंकवादी भी परमात्मा है और जो प्रोटेक्शन करे भी उसमें परमात्मा है, वो ड्रामा है उसका, आतंकवादी ने उस आदमी को बहनी हुआ भी आज जाकर बॉर्डर बने कर दिया सावधान नहीं रहेंगे, ये भलाई के लिए है बात, आतंकवाद ऐसे नहीं है, परमात्मा की लीला में बधाई के लिए था कि सरकारें चार रहे हैं ऐसे नहीं सोए होंगे हमारा राज है बिल्कुल से कभी वो तो वो अच्छा अच्छा कितने चले इतने ये आ जाएंगे दिल्ली में आ जाएंगे सावधान लो जी फलानी जगह देखो जी फलानी और फिर वो आके खेल कर जाते हैं, ये परमात्मा खेल है, आतंकवादी भी वो है रोकड़ वालों भी वो है सब उसका खेल है, आई समझ तो हैरान नहीं होगा हो आतंकवादी वो हो गए नहीं आप बिल्कुल आप समझ सब खेल उसी का, ये मन जाए जहाँ लग जब तक परमात्मा दर्शन उसके सिवा कुछ है नहीं ला ले इल्ला एक को ब्रह्म दूते नास्ते, ये दृष्टि बनानी है, ये जीवित मुक्त अवस्था की बात है। तो आप इसी जिंदगी के अंदर ही आपका अनुभव हो जाएगा, काम करते रहो खूब काम करो दोनों हाथों से लड्डू दोनों कमाई काम करो खूब अच्छे से करणाली तू ही
आई रोटी ठीक नहीं मिली, टाइम पर कोई गड़बड़ मिली, फिर चिलचिला जाएगा। चूधर जूते खा के आते हैं, उधर इतने लोग ऐसे ऐसे आदमी मिलते हैं जिनकी रेडिएशन होती है, तो शायद रेडिएशन नहीं लेगा, ये मेरी बात समझ लिया कि बेचारा अपना काम कर रहा है, कोई बात परमात्मा है इसमें, वो ड्रामा कर रहा है। एक ठग है तो ये बोलेगा अरे कोई बात नहीं, एक झूठा पड़ता देखता ऐसे कर रहा है तो बोले कोई बात नहीं, परमात्मा है ठगी का काम कर रहा है। सबके अंदर जिस देखते उसके शौक कुछ है ही नहीं, शिवाय उसके जो बाहर दृष्टि खोलते और दो देखते सब माया, शिवाय उसके कुछ नहीं। और वो आदमी के अंदर है, वो खेल कर रहा है, वो परमात्मा ही खेल कर रहा है, तो परमात्मा का खेल समझता रहेगा तो उसको नफरत नहीं होगी कोई चीज़, ठीक है ना बात। तो अगर तेरे को ये बात मैंने बता दी रही बात तेरे दिमाग में बैठ जाएगी तो किसकी कमाई किसका, सब देखता हूँ देखता हूँ वही हुई है ना। आपकी क्वालिफिकेशन थी जी, सीधा ये खुल गया। अब क्वालिफिकेशन ये थी मेरी कि मुझे पता नहीं था इस बात का कि क्या हुआ यार कैसे हुआ, गिफ्टेड हूँ मतलब मैं करने के लिए आया था, पीछे कोई कमाई करी होगी, ये काम करने के लिए आया हूँ, मजबूरी है। अब तेरे आपके पास ऐसे थोड़ा रहे हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपका, किसी जन्म का लेने देने का चक्कर था, कोई बात तो बतानी नहीं थी वो बताने के लिए आया हूँ। पहली पहली से हम सब मिले हुए जैसे मिली हुई है, पहले 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 किसी जन्म के मिले हुए, फिर अभी मिल के काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे साथी मिल जाते हैं, सब कैसे मिल जाते हैं, पहले का मेरा ताल्लुक है तो हम पहली बार नहीं आए, तो पहली बार समझिए खाना खाना खिला रहे, ये बात नहीं है, हम लोग पहले से नेट हैं, जो तेरे बेटे भाई बंद जितने भी वो सबको लेने देने के लिए आए हैं, सबके सब हम आपको ज्ञान देने के लिए आए हूँ। तो कोई जाता है, हम 300 किलोमीटर जाता था हम ज्ञान लेने के लिए, और आप यहाँ पर घर पर आकर ये सब बंदोबस्त कर दिया, घर में ज्ञान ले रहे हो, चाय पीने का सत्संग सुन रहे हो, इधर तो मैं मेरा नहीं करता हूँ, आपके शुभ कर्मों का फल है भोग लिए सब, तो ऐसा नहीं करता मैं, समझे ना बात। ये होना है था उसकी लीला, तो वो एक है सब कुछ खेल उसका है, तो इसको ऐसे करेगा अच्छे पहले खाना खा लो, ये कहता तो बहुत कोई तकलीफ की बात है, आप पहले जिमो खाना खा लो, चाय पियो पानी पियो पानी चाहिए अच्छा, और रोटी कम खाते हो क्या बात है आजकल, किसी सब्जी बना दो अच्छा अच्छा रहा, तो बाजा फिरेगा किसान बैल को चलाता है ना खूब खूब चलेगा, और नहीं चलाएगा तो बैल काम नहीं करेगा, गाड़ी नहीं खींचेगा तो बाहर गाड़ी खींचता रहेगा। और ये पहले हमारा क्रिया है इस लैंड के आदमी, ऋषि मुनियों की जो पत्नियाँ थी ऋषि पत्नियों, उनने उनको अच्छा खाना खिलाया, अच्छी तरह से खिलाया, अच्छी ताकत वाली चीज़ जिससे उनकी बुद्धि ठीक रही, वो खाना खिलाया जिसकी बुद्धि ठीक रही, साधन कराया था। सुदामा जी को, सुदामा जी ज़्यादा है कृष्ण जी से जाते नहीं थे वो, तो बोले हम क्या जाएंगे, वो तो फकीर हुए फिर रहे थे, पत्नी कहा जी जाओ ना बच्चे भूख मर रहे हैं, राजा हैं आपके दोस्त तो जाते ही कुछ दे देंगे, तो जाता नहीं था टालता। एक दिन फिर पंडित जी घमंड बैठे बोले करने लगा, द्वारका जाओ जी द्वारका जाओ जी, आठों धाम यही जगठानी, पान सुपारी जो देखूँ विचार के भेंट को चार ने सावर में, कि तू रोज़ की जग करेंगे द्वारका जाओ द्वारका जाओ, कैसे जाऊँ रोज़ की रोज़ खबी कर रखे, जब पान सुपारी हो जाते राजा के पास आया कुछ तो पान सुपारी होने चाहिए भेंट के लिए, तो भेंट को चार ने सावड़ी को नहीं करा, तब फिर बुलाई पड़ोसनी के पास पाव से सावड़ी आई लाइक बांध जी कटली बोले अब ले जाओ, जब जान लगे तो कंटेंट एक्चर होता जैसे बाहर निकले, उसको बोले एक बात सुनो मेरी ऐसे करना महाराज को ऐसे 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 करना, एडी देती है ना अंदर लेक्चर, वो देने लगी बोली ऐसे करना है भगवान को ये देना, भगवान से ऐसे करना ऐसे करना, पंडित जी घमंड आ गया बोले शिक्षक हूँ सगरे जग को, पूरी दुनिया को शिक्षा देने वाला हूँ, ताको तिया कहाँ देती हो शिक्षा, मेरे को क्या शिक्षा देती हो, और जो तप करते लोग सुधारें संपत्ति की तीन को नहीं इच्छा, मेरे ही हरि के पद पंकज बार राज देख परीक्षा, और को धन चाहिए बावरी बम को धन केवल भिक्षा, औरों को चाहिए धन मन क्या धन की जरूरत है, अपने कुछ खाने पीने मिल जाए ठीक है ऐसी। तो सुदामा जी गए थे तो ऐसी याद थी उनकी, ड्रामा था परमात्मा का, सुदामा में वो बने हुए थे कृष्ण में वो बने हुए थे, आइए समझ बात, सुदामा में वो ही था कृष्ण वो ड्रामा कर रहा था, वो तो गरीब का भाई ला धोखा तो दिया था ना वो कि क्या कर रहा है, बोलो जाड़ जाते हैं सर्दी के अंदर, गुरुमान दिया था ले भैया जब कोई भूख लगती है तो खा लेना दोनों भाई बांट के खा लेना, गुरुमान दिया लकड़ी जान गए थे, देर हो गई देर पेट पर चले बैठे थे सुदामा खा रहे, अरे बोले क्या खा रहा है सुदामा, अरे बोले यार क्या खा रहा हूँ सर्दी में जाड़ बाजरी, झूठ हो गया उसकी सजा, उसको गरीबी मिली एक मित्र से, इतनी जरा सी बात कितनी सजा दी, हाँ तो इसका लिखा हुआ रामायण वगैरह, जेने मित्र दुख हुई दुखारी तिन्नी बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, अपना दुख पहाड़ के समान उसको इतना जाना, और मित्र का दुख रज भेरू समाना,
मित्र का जो इतना सा दुख है उसको बड़ा पहाड़ के समान समझता है वो, नहीं जेने मित्र दुख हो ही दुखारी इतनी मिलोकत पातक वाली। तो मित्र से जो धोखा करा रहे उसको चने नहीं दिए, पूरी उम्र पंडित जी भूख मरे काफ़ी होगा। तो आज का सत्संग कर दिया मैंने, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। तो पंडित जी फकर जी ने मेरे बता दिया कि जो रूप रंग आते वो तुम जाते हो, कोई जम नहीं आता, कोई गुरु नहीं आता, कोई फिर नहीं आता, कोई कोई जम है ही नहीं, मन ही बढ़ाता है। तो फिर वो आएंगे तो आप उसको मानोगे नहीं आलो। तो पंडित फकीर जी ने जम से पीछा छुड़ा दिया और उनसे भ्रम दूर हो गया कि वो परमात्मा का है, और उनकी किताब ने फिर मेरे को ऐसा ऐसा पूरा ज्ञान जो सत्संग होते मेरे को मिल गया आ गया। तो मैंने कोई कमाई नहीं करी, ना घर छोड़ा, न कपड़े बदले, न कोई महात्मा बढ़ा, और सब खेल कोई कमाई करने की जरूरत नहीं। तो इतने पब्लिक आते जी आपके सत्संग में, वो पहचान क्यों नहीं पाते जी? वो पैसे वो मोतियाबिंद है, उनको उनके कर्म से आए हुए हैं, अगर ऐसे पहचान लेते मैंने मार दिए लोग सारा दिन, वो पहचान नहीं सकते क्योंकि उनका कर्म नहीं है, कोई शुभ कर्म नहीं है। शुभ कर्म हो वह पहचान, अगर एक थोड़ी पहचान, अरे भाई शुभ कर्म बड़े भारी हों तो वो कर सकता, ऐसे कर नहीं सकता। तो उनके कर्म घटिया हैं तो वो कर्म तो भोगेंगे कि नहीं पहले, फिर जब साफ हो जाएगा कर्म तब। और किसी संत की शरण कर चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, किसी काम से सुन लेंगे, ठीक हो जाएंगे, टाइम आएगी उनका एकदम नहीं आएगी। तो पंडित फकीर चंद इतने साल तक है रोटी बनाते रहे, मालिश करते रहे, खाना खाते रहे, महाराज को हाथ जोड़ते रहे, उसने कमाई करी पूरी, उस शख्स ने जितनी कमाई करी किसी ने करी नहीं है, वो नहीं पसंद है बिल्कुल। और वो ठीक है, अच्छा इसी में भलाई है, तभी मैं मेरा काम मुक्ति से और काम करी, उन्होंने बांध देता मेरे को दी, कोशिश करी मैं बंधा नहीं शुरू से लेकर कि शुरू से बड़ी कृपा थी उनकी, तो मुझे बंधन नहीं आया, मुक्त हूँ, जीते मुक्त हो सब रहता हूँ। तो ऐसा है, तो समझिए आज अब।